सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, दबाइए इस बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल हिंदी गुरु जी में। दोस्तों, आप स्मार्टफोन तो इस्तेमाल करते ही होंगे, जिसमें आप सिम कार्ड का भी यूज करते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा आपकी सिम कार्ड जो होता है उसका एक कोन कटा हुआ होता है, लेकिन दोस्तों आपने कभी सोचा है कि ये कौन क्यों कटा हुआ होता है? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि हमारी जो सिम होती है वो एक कौन क्यों कटा हुआ होता है। तो दोस्तों, बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे हमारी कोई नई लेटेस्ट वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू पहुँच सके। तो चलते देखते हैं दोस्तों क्या है। दोस्तों, सन 1991 में यूरोपीय टेलीकम्युनिकेशन ने अपना पहला फ़ोन पेश किया तो सिम कार्ड एक चिप के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, अगर इसे किसी फ़ोन में डाल देते तो इसे हटा नहीं सकते थे, लेकिन तकनीकी विकास के साथ साथ सिम कार्ड में बहुत से बदलाव किए गए और आज जो हमारे पास सिम कार्ड हैं उसे निकाल भी सकते हैं और डाल भी सकते हैं। जब सिम का तकनीकी विकास हुआ तो सिम को चारों कोनों पर एक समान किया, जिस कारण सिम को मोबाइल में लगाने पर कई समस्याएं आती थी। इसका समाधान करने के लिए टेलीकॉम कंपनियों ने सिम का एक कोना काट दिया। यही एक कारण है सिम का एक कोना क्यों कटा होता है। तो दोस्तों, मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों, 1991 में एक यूरोपीय टेलीकम्युनिकेशन कंपनी थी, उसने पहला फ़ोन अपना लॉन्च किया था। तो दोस्तों, और जो दोस्तों बाद में जब तकनीकी काफ़ी डेवलप हुआ तो उन्होंने दोस्तों क्या किया कि इसका सिम का एक कौन काट दिया। दोस्तों, अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए।